तुम पारस में अयस अपावन, तुम अमृत में विष की बेली, तृष्णा मेरी निपट सहेली, तृप्ति तुम्हारी चरणन चेली, तन मन सूखा जीवन सूखा, सारा खेत पड़ा है सूखा, तुम बरसो घन श्याम, तनिक तो मैं असाढ़ सावन बन जाऊं, मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं, बिना धागे की सुई जिंदगी, सिले न कुछ बस चुभ चुभ जाए, कटी पतंग समान सृष्टि यह ललचाए, पर हाथ न आए, खाली झोली जर्जर कंथा, अटपट मौसम दुर्गम पंथा, तुम हो लो यदि साथ तो फिर मैं मुक्तक रामायण बन जाऊं, मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। बुदबुदे उठी मिट गया सागर अकुल में, पर मैं ऐसा मिटा के अब तक बना फूल ना मिला धूल में, कब तक और सहूं यह पीड़ा, अब तो खत्म करो प्रभु क्रीड़ा, इतनी ना दो थकान के जब तुम आओ मैं दीर्घ खोल न पाऊं, मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। त्रिषित अधर प्यासे हैं नाथ, तृष्णा प्रतिपल बढ़ती है प्रभु, छाया भी छूटती है, विरह दुपहरी चढ़ती है नाथ, रोम रोम से निकल रही है जलती आहों की चिंगारी, यूं तो मेरा मन पावक है, तुम चाहो चंदन हो जाए, मेरे जीवन की डाली को भाई कटु शूलों की माया, आज अचानक अरमानों के सारे जग का पतझड़ आया, असमय वायु चली कुछ ऐसी पीत हुई, चाहों की कलियां यूं तो सूखी मन की बगिया, तुम चाहो नंदन हो जाए, यूं तो मेरा तन माटी है, तुम चाहो कंचन हो जाए, अब तो सांसों का सरगम भी खोया खोया सा लगता है, अनगिन यत्न किए मैंने पर राग नाब कोई सदता है, साध मीड के खिंचने पर भी स्वर संधान नहीं हो पाता, यूं तो टूटी मन की वीणा, तुम चाहो कंपन हो जाए, यूं तो मेरा तन माटी है, तुम चाहो कंचन हो जाए, मेरा क्या है इस धरती पर, मेरा क्या है इस धरती पर, सिर्फ तुम्हारी ही छाया है, चांद सितारे तृण तृण तरु पल्लव, सिर्फ तुम्हारी ही माया है, शब्द तुम्हारे अर्थ तुम्हारे, वाणी पर अधिकार तुम्हारा, यूं तो हर अक्षर क्षर मेरा, तुम चाहो बंधन हो जाए, यूं तो मेरा तन माटी है, तुम चाहो कंचन हो जाए। चले भगवान की सी रूप माधुरी को हृदय में धारते हैं और निश्चय करते हैं कि इन त्रिषित अधरों की प्यास जगत के ओस के पानी से बुझेगी नहीं, इसलिए परमात्मा के अनंत सागर में तन्मय होंगे, उन्हीं में डूबेंगे, अप्रेम के रस में डूब के उतरेंगे, जीवन धन्य होगा, कृतार्थ होगा। केवट जी की इस पवित्र गाथा को श्रवण करने वाले उनके हृदय के अमर्ष दूर हो जाते हैं, भगवान की वत्सलता का बोध होता है, और वत्सलता किनको मिलती है, जो अकिंचन हो जाते हैं, इसकी दृष्टि प्राप्त होती है। मैं आज कथा के प्रसंग पर यहीं विराम देती हूं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय। जय जयकार तो ढंग की नहीं है, जागी हो ना, सो तो नहीं रही, जय भाव से जय जयकार करो, बोले राम लला की जय। इसका मतलब सामर्थ्य तो है पर याद दिलानी पड़ती है, और हिंदुओं को तो हमेशा ही याद दिलाना पड़ता है, बोले भारत माता की जय, अखंड भारत की जय, हिंदू
धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पताये हर हर महा।